अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पांच भाई नवा के साथ बैठे हैं आपको। आज हम आपको धीने की कटिंग वो करना सिखाने आए हैं। ये हमारे पास सीलिंग टे है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर टाइम आपको नज़र आ जाएंगे, ये टाइम 12 होल हैं इसके अंदर, देख लें। ये मैं काट कर छोटा सा ही लाया हूँ, ये मैं 11 कलमे लाया हूँ बस। हम ये ऐसे ही 12 हम गो कर सकते हैं, लेकिन मैं 11 गो करने वाला हूँ उसमें। चलें 12वीं में मैं ले जाता हूँ, 12 पूरी गो कर लेंगे हम। देखें, मैंने खाली गोबर खाद यूज़ की है, आपको नज़र आ रहा है, मैंने कोई मिट्टी यूज़ नहीं की, खाली गोबर खाद के अंदर मैं इसको गो करने जा रहा हूँ। ये देखें, कलम आपके सामने है, ये देख लें। ये आखिरी दो पत्ते हम काट देंगे बस, ये आज की मदद से मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखें, ये लें, मैंने तोड़ दिया इनको। अब बस कलम आपने पकड़नी है और कलम आपने अंदर कर देनी है, ये लें। और आपने कुछ भी नहीं करना, ये लें, बस कलम पकड़ता जाएँ और लगाते जाएँ, बस ये काम आपने करना है। चले मैं कलमें लगा लूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये देख लें, हमने कलमें लगा दी हैं सारी, ये आप चेक कर सकते हैं। आपने ये देख लें, ये सारे पत्ते हमने काट दिए, नीचे फेंक दिए, देख लें। अब हमने कलमें लगा दी हैं, बस हमारा काम होगा इसको पानी देना। ये देखें, पानी हमेशा आपने हल्के शावर से को देना है। ये देख, ये पानी को मैं दे चुका हूँ। आप इसको हमने सनलाइट पर रख देंगे, ये बात याद रखिएगा। इसको हम कमल सनलाइट देंगे, हम इसको कमल सनलाइट देंगे अब। और एक कमल वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको उसकी कभी जने पकड़ लेगी, मैं आपको विश चेक कर दूंगा इसकी, और साथ में आपको उसकी गोद भी चेक कर दूंगा, इसकी कितनी अच्छी गोद होगी। कमल इस वीडियो में हमारे साथ ये, कम से कम 20 दिनों में आपको ये मैं तार करके दे दूँगा। चले वीडियो में मेरे साथ कमल रहिए, एंड तक आपको वीडियो में हम शो करेंगे। आपको याद होगा, हमने धीरे की टाइम 10 कलमें गो की थी एक सिलिंग टे के अंदर, उसका ये हम आपको वीडियो कमल आपको शो कर रहे हैं। ये हमारी देख लें, 10 कलमों को टाइम 6 दिन हो चुके हैं, और 6 दिन के बाद इनका रिजल्ट देख लें। सब के सब इस टाइम अल्लाह का शुक्र है, ये चल पड़ी हैं। और मैंने आपको कहा था 14 दिनों के अंदर आप कलमें तार हो जाएंगी आके पौधे, तो अभी 6 दिन हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी कलमें पूरे टाइम पर तार हो जाएंगी, और मैं आपको इंशाल्लाह इसकी कमल वीडियो आपको शो करूंगा, देख लें। धीने को आप पानी में रख कर भी गो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पानी में जड़े पकड़े तो उसके बाद आप इसे मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तरीके से आपकी पौधे को फंगस लग सकती है, मसला आपको पानी चेंज करना पड़ेगा हर 2 दिन बाद, लेकिन इसमें यह मसला नहीं होगा क्योंकि सर्दी रातें ठंडी हो गई हैं, सर्दी ओस पड़ने लग पड़ी है, उसमें ये कलमें बहुत जल्दी चलती हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी टाइम है, अभी आपको गो कर सकते हैं, बाढ़ के मौसम तक आप उनको गो कर सकते हैं, आपकी कोई कलम ज़ाया नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपकी आधी आधी कलमें चलेंगी, आधी ज़ाया हो जाएंगी। चलें, इनको हमने एक बार गोबर खाद के अंदर लगाया, मिट्टी हमने इनके अंदर नहीं डाली, ये बात याद रखिएगा। इनको सनलाइट में कमल दे रहा हूँ, और रात को ये और बाहर फड़ी रहती है ठंड के अंदर, इसीलिए ये हरी भरी है। चले कमल वीडियो इन तक देखिएगा, मैं कमल वीडियो आपको इस शो करूँगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं, देख लें। आप आपको पास करके शो कर रहा हूँ, देख लें, सबके टाइम लीव अच्छे हैं और कोई लीव उनका काबू तक नहीं हुआ। इंशाल्लाह 14 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। चलें फिर मुलाकात करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर, हमारे साथ रहिएगा, कमल वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको याद होगा, हमने धीने की कलमें गो की थी, आज उनको 14 दिन कमल हो गए हैं, 14 दिन बाद हमारी कलमें तैयार हो चुकी हैं। आज आप देख सकते हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं हमारी कलम, आप देख लें बिल्कुल इस टाइम चल पड़ी हैं, इनकी रूट्स इनकी जड़ें इस टाइम बाहर आ चुकी हैं, ये आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें, ये जड़ें यहाँ नज़र आपको आ जाएंगी। चलिए मैं आपको एक पौधा काल के दादा देता हूँ, किसे आप आसानी से देख पाएँ और आप सीख पाएँ कैसे करना है काम। ये देखें, इसे बस ऐसे राम से करना है आपने, आपका पौधा बाहर होगा बस राम से। ये देखें, इसकी रूट्स और इसकी जड़ें नीचे देख सकते हैं आप लोग, देख लें, ये पकड़ चुका है जड़ें, और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। चले इसको वापस रख देते हैं, क्यों, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ जा रही है, इसको मैंने अभी पानी दिया है, इसलिए काफ़ी लम है, मिट्टी टाइम इसको नीचे कर दिया है, हम इसको काटते हैं। ये देखें, ये देखें, इसकी जड़ें भी आपको नज़र आ चुकी होंगी, देख लें, ये जो रूट है इसकी देखें, इन्होंने जड़ें सपने पकड़ लिए हैं, ये सब के सब चल पड़े हैं। मैंने आपको पहले कहा था, गोबर खाद हो बेस्ट है, ये सब के सब चल पड़ेंगे। 14 दिनों बाद
देख ले हमने अपने धीमे भी कल में गो कर ली है और बहुत अच्छी गो कर ली है। अभी हम इनको कुछ नहीं करेंगे, अभी इनको बाद ऊपर से हम दो दो इनके पर लीफ तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इनको रख देंगे इसके अंदर ही पड़ा रहने के लिए। उसके बाद इनको 6-7 दिन बाद हमको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, आप इनको हमने हम लगाना है। 20 दिनों के अंदर आप इनको अच्छी तरह तार कर सकते हैं। तार हो चुकी हैं, वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको ये वीडियो आपकी है, हमने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पानी वाला भी तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने आपको सिलेंडर वाला तरीका सिखाया मिट्टी में कैसे लगती है। बहुत जल्द मैं आपको पानी वाला तरीका भी सिखा दूँगा इसका। चलें, वैसे आसान तरीका यही है इसका, क्यों पानी से जड़ें तो आ जाती हैं लेकिन फिर वो कवर लगाते हैं तो जड़ें भी टूट जाती हैं, क्योंकि जड़ें रूट हल्की होती हैं, जोर होती हैं, टूट जाती हैं, फिर कुछ कलमें चलती हैं कुछ नहीं चल पाती। लेकिन इसमें आपकी सारी कलमें चली हुई हैं, कोई कलम ड्राप नहीं होगी, ये मैं कहा था आपको। चलें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।